नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में प्रति सप्ताह बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के सुझावों को लेकर होने वाली बैठक शनिवार को भी आयोजित की गई। इंदौर के महापौर ने ट्रैफिक सुधार के लिए निगम सभागृह में बैठक का आयोजन किया। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हर शनिवार को शहर के ट्रैफिक को समझने वाले, उसको ठीक करने का लगातार प्रयास करने वाली ट्रैफिक पुलिस और वो लोग जिनके प्रयास रहे कि इंदौर जैसे स्वच्छता में नंबर वन है, वैसे ही ट्रैफिक व्यवस्था में भी नंबर वन रहे, उनके साथ बैठक होती है, उनके सुझावों को सुना जाता है, उनके सुझावों को मूर्त रूप कैसे दिया जा सकता है उसके लिए बैठक होती है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सके। आज उसी क्रम में आज भी बैठक हुई जिसमें कई सुझाव आए हैं, जिसमें ई रिक्शा के संचालन और ट्रैफिक की दृष्टि से वन वे प्लानिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग जैसे विषय, इन सभी को स्टडी करके फेज वाइज हम शुरू करेंगे। हमारा उद्देश्य इंदौर स्वच्छता के साथ ट्रैफिक में भी नंबर वन बने। इसी क्रम में आज भी अतिक्रमण की कार्रवाई के पूर्व फूटी कोठी से कैट रोड, साथ ही आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों को समझाइश दी गई। 3 दिन में वो स्वयं प्रेरणा से अतिक्रमण हटाएं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अतिक्रमण निगम के द्वारा हटाया जाएगा। हर शनिवार को शहर के ट्रैफिक एक्सपर्ट्स, शहर के ऐसे लोग जो शहर के ट्रैफिक पे चिंता कर रहे हैं, इंदौर को ट्रैफिक पे नंबर वन बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उनकी मीटिंग रहती है, उनके सुझावों को सुना जाता है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूशन में लाने के लिए डिस्कशन होता है। तो वैसी ही मीटिंग आज थी। कई तरह के सुझाव जो पिछले हफ्ते आए थे ग्रीन लाइट्स को लेकर, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को लेकर, उनको हमने इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। आज भी कई सारे सुझाव आए हैं, चाहे ई रिक्शा के रेगुलेशन को लेकर हो या वन वे करने को लेकर हो, इनको सबको स्टडी करके फेज वाइज हम एग्जीक्यूट करेंगे ताकि इंदौर स्वच्छता के साथ ट्रैफिक में भी नंबर वन बने। साथ ही फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की मुहिम हमारी लगातार जारी है। आज भी मैंने हवा बंगला से लेकर कैट चौराहे तक का दौरा किया है, लोगों को समझाइश दी है, 3 दिन में अगर वो नहीं माने तो वहाँ कार्रवाई होगी। सर, ट्रैफिक को लेकर एक BRTS भी सामने आ रहा है, BRTS को लेकर कुछ चर्चा की है आपने? BRTS को लेकर कोई चर्चा नहीं की है। BRTS के विषय में चर्चा AICTSL की जब भी मीटिंग होगी तब होगी, और हमारी उस विषय में कोई चर्चा करने की अभी फिलहाल कोई इच्छा भी नहीं। सर, भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, ऐसे में आपने इंदौर के मॉल्स जो है उनमें जो है आग्रह किया कि भगवान राम की विशाल प्रतिमा जो है वहां के अंदर गिरे। भाई, भारत के लिए ये सबसे बड़ी दिवाली है। 550 साल बाद प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान में, अपने मंदिर में विराजमान होंगे, अयोध्या धाम में विराजमान होंगे। मुझे लगता है भारत के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना होगी। 500 साल मुगलों की गुलामी, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी, और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भारत को परम वैभव पर ले जाने का काम, सनातन परंपरा के आधार पर राम राज्य बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और उसमें राम जी की मंदिर में फिर से विराजमान करने की ये जो घटना है, ये ऐतिहासिक है, आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देगी। इसलिए इसका उत्साह, उल्लास वैसा ही होना चाहिए जैसा लंका से जब प्रभु राम अयोध्या आए थे रावण का वध करके। तो हम सब भी उस उत्साह उल्लास के लिए तैयार हैं। नगर निगम इंदौर, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब चाहते हैं कि इंदौर में भी ऐतिहासिक दिवाली हो। इसलिए मैंने सबसे आग्रह किया है कि राम जी का संदेश देने के लिए, इंदौर की स्वच्छता का संदेश देने के लिए उत्साह, उल्लास, आतिशबाजी, लाइटिंग के साथ 1 सप्ताह तक इंदौर में उत्साह बने। सर, इंदौर से अयोध्या बस यात्रा भी जो है शुरू की जाएगी, किस तरह से बस यात्रा रहेगी और टेंडर भी इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हुई है? 15 अगस्त को हमने यही AICTSL प्रांगण से घोषणा की थी कि इंदौर से अयोध्या हम बस चलाएंगे। उसकी पूरी तैयारी हो गई है, टेंडर ऑनलाइन है, जो एजेंसी उसको लेगी तो इंदौर से अयोध्या बस शुरू हो जाएगी। इसका क्या शुल्क रहेगा, क्या इंदौर के लिए? वो सब अभी टेंडर से तय होगा, आज बताना मुश्किल है मेरे लिए। सर, 31st और 1st है, किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेगी ताकि शहर जो है शांतिपूर्ण तरीके से, शहर में लॉ एंड ऑर्डर रहे, उत्साह उल्लास लोग मनाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, जैसे खजराना में 5 से 7 लोगों के आने की तैयारी है, तो उसको लेकर ट्रैफिक विभाग ने, जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, और मैं सबसे आग्रह भी करता हूं कि शांति से, प्रेम से, आनंद से हम त्यौहार या जो भी मनाना चाहे मनाए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।